हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम बैक फॉर यू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हर रोज की तरह हम आपके लिए एक नई नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज फिर एक ऐसी ही अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट बहुत लेटेस्ट है। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी ये खास जानकारी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति यानी के राष्ट्र के पिता बाप का एक रूप कहलाता है और प्रधानमंत्री जी हाँ दोस्तों ये माँ का रूप कहलाती है, क्योंकि मंत्री के पीछे स्त्रीलिंग लग गया और इसका बोधक स्त्री माना जाता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की सोच है कि चिटफंड का करोड़ों अरबों रुपया मैं देश के विकास पर लगा दूं, सबका विकास सबका साथ हो जाएगा। कुछ ऐसी सोच चिटफंड के कुबेर रूपी खजाने पर प्रधानमंत्री जी की थी, इसीलिए निवेशकों का पैसा 8-9 साल से अधर में लटका रखा था। गरीब निवेशकों जी हाँ दोस्तों, गरीब निवेशक भी अब ऐसा लगने लगा था निवेशकों को कि ये पैसा अब हमको नहीं मिलने वाला। लेकिन दोस्तों, गरीब निवेशकों की ये स्थिति राष्ट्रपिता जी हाँ दोस्तों राष्ट्रपिता से न देखी गई और राष्ट्रपिता ने चिटफंड निवेशकों के लिए कोई कानून न होने का एहसास राष्ट्रपिता को हो गया, क्योंकि 7-8 साल से वह गरीब निवेशकों की दुहाइयां और रैलियां को देखते हुए और एजेंटों और निवेशकों की आत्महत्या जैसे केस सामने ज्यादा आने लगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपिता से रहा ना गया, इस स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति ने चिटफंड पीड़ितों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। यहाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निवेशकों के लिए आज तक कोई कानून ऐसा नहीं था। तो आज दोस्तों, इस पर एक बड़ी पहल हमारे राष्ट्रपिता ने की। निवेशकों को पैसों को लेकर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा विधेयक को मंजूरी दी गई, जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्टैम्प जी हाँ दोस्तों अपनी मोहर लगाकर कानून को पारित कराया गया। इस नए कानून में चिटफंड के पीड़ित निवेशकों के हितों को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ दोस्तों, चिटफंड कंपनी के कानून के मुताबिक अब कोई भी निवेशक अपने पैसे को लेकर कोई वाद विवाद की कंप्लेंट पुलिस थाने में लेकर जाता है तो उसकी कार्रवाई बिना वारंट कंपनी की कार्रवाई जी हाँ दोस्तों उसकी कार्रवाई बिना वारंट के की जाएगी और तुरंत की जाएगी, जिस पर सर्चिंग अभियान भी चलाया जा सकता है। पहले पुलिस ऐसा करने से कतराती थी। क्यों कतराती थी दोस्तों, इसका भी एक बड़ा खुलासा मैं आपको करने वाला हूँ। पहले पुलिस क्यों बचती थी, क्योंकि कोई कानून चिटफंड निवेशकों के लिए नहीं था। अगर कुछ करते थे तो नेताओं और मंत्रियों द्वारा डांट से लेकर ट्रांसफर तक की धमकियां आ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, वह हार कर वहीं कुर्सी पर बैठ जाते थे। लेकिन इस विधेयक से पुलिस की अथॉरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री ने सेबी की अथॉरिटी बढ़ाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ राष्ट्रपिता ने पुलिस की अथॉरिटी बढ़ाई निवेशकों के हितों के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने बनाई अथॉरिटी बढ़ाई सेवी विभाग की। जी हाँ दोस्तों, सेवी विभाग की अथॉरिटी बढ़ाई ताकि सभी गरीब निवेशकों का जो करोड़ों अरबों रुपया कंपनियों में चल रहा है। तो दोस्तों, अगर कंपनी से इनको परेशानी थी तो कंपनियों के ऊपर ही ये सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इसकी अथॉरिटी बढ़ाने से कंपनियों से लेकर गरीब निवेशकों तक को बर्बाद करने का ये बड़ा प्लान इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, 7-8 साल से देख रहे हैं हम कि सहारा के निवेशक जी हाँ दोस्तों 2011-12 से आज तक परेशान है, और उसके बाद 2013-14 से पीएसएल के निवेशक परेशान है, और जाने इतनी तमाम पुरानी कंपनी है जिनका रजिस्ट्रेशन जी हाँ दोस्तों इसी से विभाग ने दिए, और इसी से विभाग ने इनसे हर साल इनका क्लोज करते थे और इनसे सब हिसाब किताब लिया जाता था। यहाँ तक कि एक गरीब एक एजेंट का TDS भी उसको काट कर गवर्नमेंट के हवाले किया जाता था। तो दोस्तों, आज स्थिति कुछ अलग बन चुकी है। दोस्तों, हमारे देश का पिता प्रधान देश है। जी दोस्तों, हमारा देश पिता प्रधान देश है। यह बात हमें आज इस विधेयक से
यहाँ दोस्तों ये जो विधेयक पास किया गया है, इस विधेयक से हमें पता चलता है कि हमारे हितों के लिए हमारा पिता अभी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एच टी न्यूज चैनल से दी जा रही है। अगर आपको खबर पसंद आती है तो अभी तुरंत तुरंत हमारे इस एच टी न्यूज चैनल को लाइक करें और साथ के साथ दोस्तों में शेयर करें और हमारी बेल आइकन का बटन जी हाँ दोस्तों जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हम आपको अगली वीडियो पहुंचाएं सबसे पहले आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए युवा स्थान को दें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।